हेलो, अस्सलाम वालेकुम यार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा की वो यूनिवर्सिटी जिनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्ट हो जाते हो तो तब देनी पड़ेगी। उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सको। अब हम बात करते हैं उन यूनिवर्सिटियों की। यार, उन यूनिवर्सिटियों का फ़ायदा ये है कि एज़ कम्पेयर आप दूसरी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करते हो तो उनकी एप्लीकेशन फ़ी होती है $150 से $500 तक। और $500 बड़ी रकम बनती है यार, जो नॉन रिफंडेबल होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट नहीं होती तो वो पैसे ज़ाया होते हैं। हमारे जैसे मुल्कों के लिए लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इनके लिए $500 बहुत बड़ी रकम हो जाती है। मैं अपनी बात करता हूँ, पाकिस्तान में 70-75 हज़ार बनता है आई थिंक, सो $500 का। तो ये बड़ी रकम है यार, इतने 75 हज़ार रुपया ज़ाया होता है। तो इन यूनिवर्सिटियों में आप अप्लाई करोगे ना, अप्लाई करते हो तो फिर अगर एक्सेप्ट हो जाते हो तो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करेगी और नंबर पे कॉल करेगी। फिर अपनी सीट कंफर्म करने के लिए यूनिवर्सिटी कहेगी कि अब आप एप्लीकेशन फ़ीस दे दो। फॉर एग्जांपल, नहीं होती है आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट, तो फिर दोबारा अप्लाई कर दो जितनी बार मर्जी, या फ्री या जितनी बार मर्जी अप्लाई कर दो। जब एक्सेप्ट होगी तब आपको देने पड़ेंगे। ऐसे ही है। तो अभी शुरू करते हैं। पहली यूनिवर्सिटी कौन सी? पहली यूनिवर्सिटी है यार रॉयल रोड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटियों के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, तो आप उधर से देख लेना। ये यूनिवर्सिटी है, इसमें आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद इसकी कोई फ़ीस नहीं है, फ्री में अप्लाई होगा। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी अगर एक्सेप्ट कर लेती है आपकी एप्लीकेशन, तो यूनिवर्सिटी आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और फिर आपको एप्लीकेशन फ़ी और जो और प्रोसेस होगा यूनिवर्सिटी का, वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें कोई एजेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी जब आपसे कांटेक्ट करेगी तो मींस के ऑफ कोर्स जो कनेक्शन यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं होगा। आप तब एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हो। रॉयल रोड यूनिवर्सिटी नंबर 1। और नंबर 2 पे है क्वेस्ट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल। इसका भी सेम प्रोसेस, आप इसमें अप्लाई करते हो, अगर हो जाता है तो फिर आपको $100 आई थिंक इसके फिर आपको जमा कराने होते हैं अपनी सीट कन्फर्म करने के लिए। उसके बाद अदरवाइज़ वो कॉल करते हैं, आपसे पूछते हैं कि सीट कंफर्म करनी है, तो आपको $100 सेंड करने होते हैं, फिर आपकी सीट कंफर्म हो जाती है। फिर होल प्रोसेस जो भी होता है वो फिर चलता है। मीन्स वो फिर एडमिशन लेटर देते हैं या वीज़ा पेपर देते हैं, या जो फीसों का होता है वो फिर आपसे यूनिवर्सिटी डायरेक्ट डील करेगी। कोई एजेंट नहीं, कोई दरमियान में कोई नहीं होगा, और आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बात करोगे। क्वेस्ट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल। और नंबर 3 पे है बूथ यूनिवर्सिटी कॉलेज। ये यूनिवर्सिटी भी और इसकी कॉलेज भी है। और कॉलेज की, आज मैंने पहले वीडियो में बताया कि कॉलेज की फ़ीस कम होती है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी की। तो ये 3 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ आप विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हो। अगर एक्सेप्ट हो जाते हो तब आपको फ़ी देनी पड़ेगी, अगर नहीं होते तो वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, आप फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हो। ऐसे जितने बार आप चाहो अप्लाई कर सकते हो, और एक्सेप्ट हो जाते हो फिर आपको जैसे फ़ी देनी होती है वैसे देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ कोई फ़ी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक तो एजेंट से जान छुड़ेगी, क्योंकि एजेंट भी अपने पैसे लेगा, $500-1000 एजेंट की भी फ़ी होगी, और एप्लीकेशन की भी फ़ी एजेंट लेगा, और भी खर्चा होगा। इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करके फ्री अप्लाई करते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन करने के बाद एक्सेप्ट हो जाते हो तो फिर वो आपसे यूनिवर्सिटी खुद कॉन्टेक्ट करती है, फिर जो फर्दर प्रोसेस होता है हो जाएगा इंशाल्लाह। होप, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सको। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।